नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल से शुरू हो रही आत्मनिर्भर पंचायत कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। उद्घाटन सत्र में पंचायत सीईओ और जनपद सीईओ लेवल के पंचायत कर्मचारी मौजूद होंगे। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तीसरे दिन जिला पंचायत सदस्यों को भी बुलाया जाएगा। बड़े शहरों के आसपास प्लानिंग एरिया में प्राथमिक विकास को ठीक करने का लक्ष्य है। 3 दिनों में रिपोर्ट तैयार करेंगे कि बड़े शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाकों में विकास कैसे हो, केंद्रीय योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पंचायत व्यवस्था को कैसे मिले, इस विषय पर हम विमर्श करेंगे। है और मुझे लगता है कि उस समय गलत प्रतिबंध था। मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे एक इतने संस्कार देने वाले संगठन के खिलाफ अगर ये आदेश आया था तो वास्तव में ये तो पहले से ही दुरुस्त हो जाना चाहिए था। मैं मानता हूं ये स्वागत योग्य। मध्य प्रदेश में अभी क्या स्थिति है, इसको लेकर डाउट हो रहा है, यहां के प्रदेश के जो कर्मचारी वो जा सकते हैं? पूरे देश में जाएंगे, मध्य प्रदेश का हाल अलग से सवाल है। कांग्रेस का सवाल का है कि कर्मचारी बायस होंगे अगर वो आरएसएस के शाखाओं में जाते हैं। देखिए, ये कांग्रेस का दुराग्रह था, उसी का ही ये आदेश था और कांग्रेस को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सामाजिक संगठनों में अन्य क्षेत्रों में भी सामाजिक संगठन है जिसमें कर्मचारी भाग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ था ये देरी से दूर हुआ, लेकिन दूर हुआ, मैं इसका स्वागत करता हूँ। सर, मंडवा में दो महिलाओं को मंडवा में दबंगों ने मोरन के नीचे दबा दिया, उनकी जान भी बनाई, इसको लेकर के कानून व्यवस्था पर कांग्रेस से सवाल उठाए हैं। उसका वीडियो काफी वायरल हुआ, मंडवा में मोरन में जिंदा रखना दिया दो महिलाओं को। अपन इसके लिए अपन चाय पे बात करते जाएंगे। धन्यवाद। एक मिनट बैठ, पहले बैठ तो जाइए। देखिए, मुझे दो जानकारियां स्पष्ट रूप से है और वो जिस दिन मैंने कार्यभार ग्रहण किया था उसी दिन जब मैंने पूछा था जो सिस्टम हमारे पास था वो तो शायद 14 साल के बाद से उसकी बैठकें नहीं हुई थी। पर मैंने BSNL के अधिकारियों से जो संख्या मांगी थी वो लगभग 2200 ऐसी जगह है जहां पर किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं है। और ये बात आज से नहीं है, जिस समय वो पर्ची का मामला हुआ था तब मैंने ये बात पार्लियामेंट में उठाई थी। किसी पर आरोप प्रत्यारोप किए बगैर मैं ये कहता हूं कि जब तक आप वहां पर अप्रोच नहीं पहुँचाएंगे तो मैं बातें कर सकता हूँ लेकिन वो परिणाम में नहीं आ सकता। इन कमियों की जानकारी मुझे है, उस पर रास्ता निकालने का काम जारी है। मैं जब भी आपसे बताऊंगा, आपको नंबर बताऊंगा, स्थान बताऊंगा, उसमें कोई कमी देखे तो जरूर आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है, मैं कभी उसको ढांकने वाला नहीं हूँ। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।